मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो किड्स, टुमारो इज ग्रैंड पेरेंट्स डे, सो यू हैव टू विश योर ग्रैंड पेरेंट्स दैट हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स डे। यू हैव टू विश योर ग्रैंड पेरेंट्स दैट हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे। आप लोग को अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे विश करना है, अपने नाना नानी, अपने दादा दादी, सभी को। ओके, सो डू यू नो द एक्सैक्ट मीनिंग ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स? एक्सैक्ट मीनिंग ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज रिफर्स टू पेरेंट्स आइदर फ्रॉम मैटर्नल साइड और पैटर्नल साइड। ओके, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, दैट मीन्स आपके पेरेंट्स के अलावा जो आपके मैटर्नल साइड के होते हैं और आपके पैटर्नल साइड के होते हैं, उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। पैटर्नल मीन्स आपके दादा दादी एंड मैटर्नल मीन्स आपके नाना नानी। ओके, सो पैटर्नल साइड आपके पापा की साइड होती है और मैटर्नल साइड आपकी मदर की साइड होती है। ग्रैंड पेरेंट्स आर द रूट्स ऑफ द फैमिली। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारी फैमिली की रूट्स होते हैं। दस दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, तभी वो हमें हर अच्छे बुरे के बारे में बताते हैं। अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो वो हमें वो करने से रोकते हैं। इसीलिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारी फैमिली की रूट होते हैं, क्योंकि हर चीज का एक्सपीरियंस होगा उन्हें, पढ़ाई लिखाई हर चीज का। अगर वो तुम्हें कुछ बता रहे हैं तो दैट मीन्स वो हमेशा सही कह रहे हैं। मोर एवर दे शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स विद देयर किड्स एंड देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। हमेशा वो अपने बच्चे और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस में एक जैसा व्यवहार करते हैं। मीन्स वो अगर अपने बच्चों को जितना प्यार करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो आप लोगों को प्यार करते हैं। दैट मीन्स आप उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं ना, तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को दादा दादी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको भी आपके दादा दादी बहुत प्यार करते हैं, है ना। सो आपको आज उनके लिए कुछ स्पेशल करना होगा। ओके, यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स दैट दे कैन फील वेरी गुड। ग्रैंड पेरेंट्स नीड पर्टिकुलर फोकस एंड अटेंशन फ्रॉम देयर किड्स बिकॉज दे आर ओल्ड। ग्रैंड पेरेंट्स अपने लिए बहुत ज्यादा अटेंशन चाहते हैं और बहुत ज्यादा फोकस चाहते हैं अपने ऊपर, बिकॉज वो बहुत ओल्ड होते हैं। दैट्स वाई दे वॉन्ट अ पर्टिक्यूलर अटेंशन टूवर्ड्स देम। इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस एंड मेरे किड्स हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विश देम। ओके, आप लोग को सबसे पहले उन्हें हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे विश करना है। देन वी हैव डन अ एक्टिविटी, यू हैव टू फॉलो आर एक्टिविटी एंड मेक अ कार्ड फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स। आप लोग को वैसा ही कुछ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बनाना है जैसा कि हमने यहाँ एक्टिविटी में बताया है। डू अ एक्टिविटी अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स डे। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्टिविटी। चिल्ड्रन, इन टुडेज एक्टिविटी वी आर गोइंग टू मेक अवर ग्रैंड पेरेंट्स फेसेस, अवर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। फॉर दिस एक्टिविटी वी नीड सम कलर शीट्स, ओके, एंड सीजर्स, पेंसिल। सो चिल्ड्रन, फॉर पेस्टिंग वी नीड समथिंग, यू कैन यूज फेविस्टिक और फेविकोल, ओके, एंड सम कलर। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज स्केच कलर, वॉटर कलर्स एंड क्रेयॉन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू मेक फेसेस। फर्स्ट वी विल यूज पिंक शीट। आपको पता है ना, फेस का कलर होता है ना, तो हमने उस तरह से एक शीट ले ली है। यू कैन ऑल्सो यूज व्हाइट पेपर, आप व्हाइट पेपर का भी यूज कर सकते हैं, यू कैन कलर ऑन इट। नाउ लेट स्टार्ट टू मेक फेस। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक ओवल शेप। ओके, आप इस तरह से एक ओवल शेप बनाएंगे, फेस का शेप बनाएंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेक टू बिग आईज। चिल्ड्रन, दिस वे यू हैव टू मेक टू बिग आईज। ओके, नाउ मेक द आईब्रो। ओके, इस तरह से आपको आईब्रोज बनाने हैं। नाउ चिल्ड्रन, वी विल मेक अ नोज, ओके, लाइक दिस, एंड लिप्स। इन द सेम वे यू हैव टू मेक अनदर फेस। आपको एक और फेस बनाना है जिसमें ये चीजें कॉमन रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल आईब्रोज, आईज, नोज एंड लिप्स। ओके, हमने इस तरह से टू फेसेस बना लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू फेसेस बाय मेकिंग सम मोर थिंग्स। आपको पता है ना, दादी क्या पहनती है? दादी वियर्स बिंदी। वो हम के फोरहेड में बिंदी बना देंगे। ओके, दिस वे यू हैव टू मेक अ बिंदी। एंड और क्या पहनती है दादी? इयर रिंग्स। ओके, सो दिस वे यू विल मेक इयर रिंग्स एंड हेयर्स ऑफ दादी। अब हम दादी के हेयर्स बनाएंगे, लाइक दिस। सो चिल्ड्रन, दिस वे यू विल मेक द फेस ऑफ योर ग्रैंडमा। नाउ वी विल मेक द हेयर्स ऑफ अ ग्रैंडफादर।
like this. So children, this way you have to complete the face of your grandfather and grandmother. Now children, we have to cut the both faces. आपको दोनों faces को cut करना है with the help of your parents. Okay? So this way you will cut the face of दादा and दादी. So children, this way we have to cut the face of our grandparents. Now we are going to decorate it. First we will apply some Fevicol on the hair of Dadaji and we will take some cotton to make the hair of Dadaji. Okay, now paste the cotton like this on the hair. Now in some other parts we are pasting the cotton. Okay children, same way you have to make the face of your grandfather. Okay, now we are going to make the face of grandmother. So I have pasted already the hairs of the grandmother. Now we will decorate it. So children, this way you have to make the both faces. Now we are going to make some message cards. For this you need some more color sheets. Okay, आपको कुछ और color sheets लेनी है और आपको उसको किसी भी shape में cut कर लेना है. As you can see, I have already cut the card like this and I have written a message also that dear grandma, I love you because and dear grandpa, I love you because. And in the blank space, you have to write the message for your grandfather and grandmother. Okay, now we are going to assemble all the things. अब हम इनको stand करने के लिए two cone shape बनाएंगे. देखिए यहाँ पर मैंने पहले से cone shape बना के रखा है. It is so easy children. आप कोई भी square paper लेकर उसको cone shape में round कर सकते हैं. Okay, this way and cut it. And you will get shape like this. Now we are going to assemble all the things. First we have to take two cone shape stand. We have to paste both faces like this. Okay, आपको इस तरह से फेस को पेस्ट करना है. So children, this way you have to paste a cone shape stand with the face. दादा दादी के लिए जो हमने मैसेज कार्ड बनाया है उसको भी हम इसमें पेस्ट करेंगे. Okay, so children, you have to do this activity in the same way by your creativity. Okay children, and give this card to your grandfather and grandmother to show your love and care towards him, and you all have to wish them that happy grandparents day. Okay children, aap is tarah se is activity ko complete karenge. So once again I am wishing you happy grandparents day and send the photograph in the office number. Okay children, so do it well. Thank you. Bye bye.